लखीमपुर खीरी जिले में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक मजदूर पेड़ काटते वक्त एक डाल गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन-फानन में एम्बुलेंस की सहायता से सीएससी भेज दिया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल ताजा मामला लखीमपुर खीरी जिले के गोला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। गोला थाना क्षेत्र के परनभू ग्रांट में वन निगम द्वारा पेड़ की कटाई का काम चल रहा था। पेड़ कटाई के दौरान काम कर रहे एक मजदूर अमित पुत्र कल्याण निवासी रामपुर जिला फतेहपुर निवासी के ऊपर पेड़ के डाल गिर जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया। अमित के मुंह, नाक और कान से भारी तादाद में खून बहने लगा। मौके पर मौजूद मजदूरों ने घायल अवस्था में देखकर 108 नंबर पर एम्बुलेंस को फोन किया और आनन-फानन में गोला सीएचसी में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टर गोस्वामी ने जांच पड़ताल करने के बाद अमित की मृत्यु हो जाने की बात कही, साथ ही पुलिस को सूचना देकर मामले से अवगत कराया। वहीं नानक चौकी इंचार्ज कुलदीप सिंह अपने हमराहियों के साथ सीएचसी पहुंचे और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। हाँ, ये 108 से आया है, अभी जो है ब्रॉड नेट था ये, और उसके जो साथ वाले लोग हैं उनके जो है बताने के अनुसार उन्होंने बताया कि ये पेड़ और कहीं जंगल में काट रहा था तो वहीं इसके साथ दुर्घटना ही हुआ, पर यहाँ तो ये ब्रॉड नेट आया है तो इसका जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद बाकी कार्रवाई होगी। और पेड़ कट रहा था, पेड़ कट के जब गिरा तो दूसरे पेड़ में लड़ गया, दूसरे पेड़ में जब लड़ा तो उसकी डाल एक टूट करके, और ये एक जो मशीन चला रहे थे ऑपरेटर हैं, इनका नाम अमित है, पिता का नाम कल्याण है, गांव का नाम रामपुर, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर वहां के रहने वाले हैं, और वहीं से इनके सर में चोट लगी, खून बहुत बह चुका था, कान का भी पर्दा फट गया था, वहां से लेके हम लोगों ने तुरंत 108 नंबर पर फ़ोन किया, उसके बाद में एम्बुलेंस पहुँची, तुरंत लेके हम लोग इसी अभी गोला में भर्ती कराया, वहाँ पता चला कि ये ख़त्म हो चुके हैं। आप उसी विभाग में जी? मैं वन निगम से हूँ, मेरा नाम लाल बिहारी है, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ जी। लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट।